नमस्कार। झारखंड में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं और जमीनी स्तर पर झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। दो राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, इसके अलावा कई राज्यों की उपचुनाव की सीटों पर भी चुनावी बिगुल बजा है। तो झारखंड में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 13 नवंबर को वोटिंग होगी तो दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को। लेकिन 81 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि झारखंड में जो हलचल हुई है, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यहाँ चंपई सोरेन की सरकार बनी, लेकिन बाद में चंपई सोरेन की यहाँ पर बात की जाए तो इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं जेल के बाहर आने से। लेकिन यहाँ पर चंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, तो जो सियासी गणित है, जो यहाँ पर आंकड़े हैं, वो पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद कितना कुछ माहौल बदला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा जीत के संकल्प के साथ यहाँ पर जो है महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी मैदान में होगी। तो झारखंड को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है, क्या हरियाणा की तर्ज के आधार पर झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जितना नुकसान यहाँ पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, उतना नुकसान झारखंड में नहीं हुआ है, क्योंकि 5 सीटें यहाँ पर लोकसभा की सीधे तौर पर हरियाणा में नुकसान हुआ था। लेकिन झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की लोकसभा चुनाव में, जबकि जेएमएम को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीटी भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है आरसू पार्टी के साथ उसको मिली है, 9 सीटें एनडीए को मिली है। उस लिहाज से माना जा रहा है कि झारखंड में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि तैयारी तो शुरू हो चुकी है और अब बात की जा रही है कि किस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी आंकड़े किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर झारखंड को लेकर सभी 81 सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। तो ओपिनियन पोल में बात की जाए रांची की, यहाँ पर जो है 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन में 3 सीटें जा सकती है, जो कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है। इसका अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर आरसू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात झारखंड विकास मोर्चा, हालांकि मायावती जी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में अलग होगी, इस कार की खबर सामने आ रही है। इस बार उनका किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में एक बड़ी हार उनको यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी क्या अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में जिस कार से उम्मीदवार उतारे, उसका नुकसान भी कांग्रेस को यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिला है। तो यहाँ झारखंड काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट, यानी बढ़त रांची में भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल कर रही है, जबकि सरायकेला की यहाँ पर 3 सीटों में से 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन, इसमें कांग्रेस जेएमएम है, इसके अलावा आरजेडी, और अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अब तक 16 सीटों का अनुमान जो सामने आ रहा है, उसमें 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 8 सीट पर ही एनडीए गठबंधन को जीत का अनुमान सामने आ रहा है, जिस बार के आंकड़े झारखंड को देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम की 5 में से 4 पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर इंडिया और 1 सीट पर एनडीए को जीत का अनुमान यहां पर सामने आ रहा है, जबकि अगर बात किया खूंटी की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का जीत का अनुमान सामने आ रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन, 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकते हैं। तो अब तक जो बात की जा रही 29 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 16 सीटें, एनडीए को 12 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि गुड़ा की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए को जीत का अनुमान सामने आ रहा है, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पाकुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, एनडीए के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोडरमा की 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। साहिबगंज की 3 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर एनडीए को जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि धनबाद की 6 में से 2 पर इंडिया गठबंधन और 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना जो है झारखंड को लेकर अब तक की 49 सीटों के ताजा सर्वे के हिसाब से 26 से 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि 21 से 25 सीटों पर
एनडीए को जीत का अनुमान आने के पक्ष में 2 से 5 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। दुमका की 4 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, जबकि एनडीए को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। पलामू की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस और जेएमएम है, और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर जो ताजा सर्वे है 1 सीट पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर ही एनडीए के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जिस तरह की आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकर दगा की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि चतरा की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों विधानसभा सीटों पर एनडीए को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर जामताड़ की 2 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गुमला की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बोकारो की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीट और 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लातेहार की 2 विधानसभा सीटों में भी एनडीए को यहां पर 2 सीटें हैं, जबकि इंडिया गठबंधन अन्य पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से झारखंड को लेकर सभी 81 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है, उस हिसाब से माना जा रहा है कि यहां पर जेएमएम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस कार के यहां पर जो संभावना है। लेकिन माना जा रहा है कि गठबंधन किस कार का बनता है और गठबंधन में सीटें कितनी कौन यहां पर चुनावी मैदान में होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन झारखंड को लेकर अन्य एजेंसी के ओपिनियन पोल की भी बात की जाए, तक का ओपिनियन पोल इसमें बीजेपी 38 से 43 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। कांग्रेस अपने दम पर 7 से 12 सीटें, जबकि जेएमएम अपने दम पर 19 से 24 सीटें। हालांकि गठबंधन है और गठबंधन की बात की जाए तो करीब यहाँ पर 25 से 35 सीटों का अनुमान यहाँ पर गठबंधन में दिखाई दे रहा है, जबकि आरसू पार्टी को 2 से 7 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अन्य के पक्ष में भी 2 से 5 सीटों का अनुमान हो सकता है, झारखंड को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। झारखंड को लेकर एक और अन्य एजेंसी के जो ओपिनियन पोल, उसमें 24 से 29 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी 43 से 48 सीट, अन्य के पक्ष में 4 से 9 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से 3 से 4 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन के आधार पर जो आकलन सामने आ रहा है, इस बार जो है झारखंड में कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी एनडीए और इंडिया गठबंधन जो कि कांग्रेस जेएमएम का बना है, इसके बीच देखने को मिल सकती है। क्योंकि हरियाणा जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पर जिस कार से चुनावी मैदान में है, वो बड़े बड़े ऐलान कर रही है। उसके बाद माना जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में क्या दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्या महाराष्ट्र में बड़ा उलट फिर होगा या फिर झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, जिस कार से यहाँ पर गठबंधन बनते हैं और अगर बात की जाए तो गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, ये काफी हद तक तय करेगा झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।